भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन, सेकंड। तो ये हो गया भारत और ऑस्ट्रेलिया का, ये है सेकंड वर्चुअल समिट। यह प्राइम मिनिस्टर समिट भी कह सकते हैं, इसमें प्रधानमंत्री जो है वो आपस में बातचीत करते हैं अलग अलग मुद्दों से रिलेटेड चीज़ें, ठीक है। अब देखना, ये सेकंड फेज था, दूसरी बार बैठक हुई, तो इनमें एक बातचीत हुई जिसमें इन्होंने कहा कि काम करते हैं जैसे जापान के साथ तुम्हारी मीटिंग होती है ना, वैसे हम भी एनुअल मीटिंग करते हैं, ठीक है। तो वार्षिक शिखर सम्मेलन या एनुअल समिट करेंगे प्राइम मिनिस्टर का, प्राइम मिनिस्टर्स एनुअल समिट करेंगे, पहली चीज़ इन्होंने ये कही। कुल मिलाकर के इस प्लान ये था कि जापान वगैरह देशों के साथ हमारी एनुअल समिट होती है, ऑस्ट्रेलिया के साथ नहीं होती, ऑस्ट्रेलिया के साथ अलग अलग मुद्दों पर होती है, पर ऐसा एनुअल समिट टाइप का कुछ नहीं होता जिसमें हम हर साल बैठें और आपस में बातचीत करें। तो इस बार ये हुआ है कि अब हम एनुअल समिट भी करेंगे, क्योंकि ये वाली वर्चुअल समिट थी, इसमें इन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं साथ में बैठेंगे बढ़िया से और खूब सारा काम करेंगे, आपस में करेंगे, बाकी एनवायरनमेंट के बारे में बात करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो एनवायरनमेंट के लिए बात हुई, तो वार्षिक सम्मेलन पर एक सहमति बन गई, तो इसको कहेंगे हम एनुअल समिट, जिस पर सहमति बनी। फिर हम कह सकते हैं एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी, व्यापक रणनीतिक साझेदारी, ठीक है। तो एक डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप के बारे में बात हुई है, 2020 के अंदर ये स्टार्ट हो गया था व्यापक रणनीतिक साझेदारी के लिए, उसी से रिलेटेड है ये एनुअल समिट भी। व्यापक रणनीतिक साझेदारी से संबंधित वार्षिक बैठकों पे भाग लेंगे ये दोनों अब, और व्यापक रणनीतिक साझेदारी पे अभी बात की है इन्होंने कि अब अभी तक जो हमारी साझेदारी थी उसको और आगे बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, अब हर साल लगभग इस पर क्या करेंगे, बैठक करेंगे, हर साल करेंगे लगभग। अच्छा, अब अगर ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया से जो सहयोग हमें मिलता है वो जो अभी का जो सहयोग है जिसमें अभी हमने सिग्नेचर किए वो है एक तो स्पेस एजेंसी, ठीक है। स्पेस के ऊपर थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया हमको सहयोग करने वाला है, स्पेस के साथ जो नई टेक्नोलॉजीज आने वाली हैं उसमें हमको सहयोग करेगा, इवन इन एग्रीकल्चर ऑल्सो। तो एग्रीकल्चर के फील्ड में जो हमारी वो हैं अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ हैं उनमें सहयोग करेगा, बाकी स्पेस के ऊपर करेगा। स्पेस के ऊपर लगभग इन्होंने 280 मिलियन का निवेश भी किया है, 280 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, ध्यान देना, 280 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो ये देने वाला है स्पेस टेक्नोलॉजी, और इसी में स्वच्छ प्रौद्योगिकी भी लिख लेते हैं अब, क्योंकि एनवायरनमेंट सभी जगह आना ही है, यहाँ पे स्वच्छ प्रौद्योगिकी करेगा इन दोनों में, स्पेस में भी टेक्नोलॉजी में भी, ज़्यादा से ज़्यादा वो क्लीन एक टेक्नोलॉजी जो है उसके ऊपर बात करेंगे। लगभग 280 मिलियन डॉलर के आसपास की इन्होंने बात करी है, ठीक है। अब जो मुख्य समझौते हुए हैं वो कौन कौन से हुए हैं देखना, एक तो है खनिज उद्योग इंडिया लिमिटेड, ठीक है, इसके अंदर खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, तो ये गवर्नमेंट का एक PSU हो गया जो खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड करके है, इसने एक जो है समझौता अभी दस्तखत किया है, क्रिटिकल मिनरल्स फर्टिलाइजर्स कंपनी, क्रिटिकल मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स कंपनी या ऑफिस भी इसको कहते हैं वहाँ, इन दोनों का आपस में दस्तखत हुए हैं। यहाँ मिनरल्स हैं, यहाँ खनिज वगैरह है, तो कुल मिलाकर के माइनिंग से रिलेटेड जो है उन चीज़ों में ये काम करने वाले हैं। माइनिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी, खनिज उद्योग होगा, उसमें आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कैसे किया जाए, कहाँ कहाँ क्या क्या खनिज में काम करना है इसके ऊपर, ठीक है। फिर एक इंडिया से और वहाँ की प्रवास और आवाजाही से संबंधित, यानी कि इधर से उधर, उधर से इधर आने वाला जो माइग्रेशन वगैरह है उससे और आवाजाही से संबंधित इन्होंने एक आशय पत्र पर भी सिग्नेचर किया। आशय पत्र को कहते हैं लेटर ऑफ इंटेंट, तो आशय पत्र के ऊपर भी इन्होंने अभी दस्तखत किए हैं। इससे जो फ़ायदा होगा वो किसको होगा, या तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको हो जाएगा,
जो वहाँ पढ़ने वढ़ने जाते हैं या जो कारोबारी वगैरह हैं जो वहाँ से यहाँ आते हैं यहाँ से वहाँ जाते हैं उनको थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा। करेंगे ये कि वीज़ा वगैरह में थोड़ी सी छूटें देंगे, आने जाने के लिए थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शंस कम लग जाएंगी एक दूसरे के ऊपर, ये चीज़ों में सुधार कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमने थैंक यू किया है ऑस्ट्रेलिया को भारत के प्राइम मिनिस्टर जी की तरफ से, क्योंकि इन्होंने लगभग हमारी 29 कलाकृतियाँ लौटाई थी, 29 कलाकृतियाँ लौटाई थी इन्होंने। अगर ध्यान दिया जाए तो इसमें चोल प्रतिमा है कांस्य वाली, वो शामिल है, महिषासुर मर्दिनी की एक प्रतिमा है बलवा मिट्टी से बनी हुई, वो शामिल है। तो इन लगभग 29 अलग अलग कलाकृतियाँ हैं, उनको लौटाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, थैंक यू किया है ऑस्ट्रेलिया का, इसी के अंदर किया होगा। ठीक है, अगर FDI की बात की जाए दो तरफा हमारे व्यापार में, तो लगभग 1.04 बिलियन US डॉलर का है। ठीक है, दो तरफा जो हमारा FDI है वो, तो अपने आप में ठीक ठाक ट्रेड हमारा होता है। उसके अलावा जो ट्रेड कितना है फिर हमारा, तो अगर दो तरफा ट्रेड की बात की जाए तो लगभग 12 बिलियन US डॉलर का है, लगभग 12 बिलियन US डॉलर है, 12.43 के आसपास है ये, इतना हम लोगों का आपस में व्यापार होता है। तो कुल मिला के ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें एक बड़ा फेमस ऑर्गेनाइजेशन अभी हमने बनाया, कौन सा, क्वाड। तो क्वाड में हम लोग शामिल हो गए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में, तो एक जो हमारा सहयोग का रास्ता हो गया वो हो गया क्वाड, क्वाड में हमारा सहयोग है। इसके अलावा एक बड़ा रीजन है जहाँ हम सहयोग कर सकते हैं, अभी तक बहुत बड़े लेवल पे किया नहीं है, वो है इंडियन ओशन रीजन, या आजकल नया जो टर्म आया है वो कौन सा है, इंडो पैसिफिक, है ना, पहले इंडो पैसिफिक बोला नहीं जाता था पर अब तो बोल रहे हैं इंडो पैसिफिक। तो कुल मिलाकर के इंडियन ओशन रीजन जो है हमारा वो अभी एक बड़ा क्षेत्र हो सकता है भारत ऑस्ट्रेलिया के सहयोग का। अब इससे कई सारे क्वेश्चन आ सकते हैं कि भारत ऑस्ट्रेलिया के सामरिक हित, सामुदायिक हित, राजनीतिक हित कैसे एक दूसरे से संबंधित है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो उसके बारे में फिर क्वेश्चंस मेंस के हिसाब से देखने की जरूरत पड़ेगी, उसमें ये सारे फैक्टर डाले जा सकते हैं। ठीक है, कि हमारे जो समझौते हैं वो स्पेस में है, टेक्नोलॉजी में है, स्वच्छ प्रौद्योगिकी में है, मेडिकल वगैरह में भी है, और उसके अलावा हम कह सकते हैं कि भारत जो है अभी मेडिकल इंडस्ट्री में उभरता हुआ एक उद्योग है। ठीक है, तो मेडिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें हमारे यहाँ से जोड़ सकते हैं। खनिज वगैरह माइनिंग में ऑस्ट्रेलिया से सीख सकते हैं, खनिज में ऑस्ट्रेलिया क्यों फेमस हुआ फिर, कोल, गोल्ड रिजर्व्स हैं यहाँ बहुत तगड़े, कहाँ, कालगुंडी और कुलगाड़ी, ये दो यहाँ बड़े गोल्ड रिजर्व है, तो इनके यहाँ माइनिंग बड़े अच्छे लेवल से होती है। ठीक है, तो माइनिंग वगैरह में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से काफ़ी सपोर्ट हमको मिल सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया रिलेशनशिप के ऊपर नई जो समिट है, वर्चुअल समिट जो हुई है, सेकेंड वर्चुअल समिट है, एनुअल समिट करने की बातचीत चल रही है। 2020 से व्यापक रणनीतिक साझेदारी इन्होंने शुरू की है, इंडो पैसिफिक रीजन इनके काम करने का क्षेत्र है, फिलहाल ये जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं स्पेस टेक्नोलॉजी और स्वच्छ प्रौद्योगिकी के ऊपर। ठीक हो गया, इतना काफ़ी है इसके अंदर।